हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की ना स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना सबसे ऊपर ये कनेक्शन का ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट पे टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। ठीक है, तो आपको नीचे एक पेज आएगा रीसेट APN सेटिंग का, इसमें आपको ना रीसेट पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। तो इस तरीके से आपको जो है अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन के ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे फोन का इंटरनेट स्लो चलता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे ऊपर की साइड सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है। तो आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे टैप करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको ये रीसेट सेटिंग पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये रीसेट पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पर जो है ना नीचे की साइड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के है ना साइड वाला पावर बटन उंगली से आपको दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ना वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन का इंटरनेट स्लो चलता है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। यहां पर आपको इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन अगर दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट टैप करना है। तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसका अगले पेज में आपको है ना सबसे नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,